असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद है अपने Adobe Premiere Pro सॉफ्टवेयर, जिस पर आपको पता है डिफरेंट टाइप की वीडियो को एडिट किया जाता है। सो जैसे मैं दोस्तों अपनी वीडियो को एडिट करता तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिला, वो ये है कि इनसफिशिएंट मीडिया, ये ट्रांजिशन के ऊपर दोस्तों एक एडिट है। तो जैसे हम वीडियो ट्रांजिशन से कोई भी फैक्ट्स हम अपनी वीडियो में ऐड करते हैं तो हमें इनसफिशिएंट मीडिया अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह का एडिट देखने को मिला था। अब हमने दोस्तों इसका सोल्यूशन कैसे करना है, मैंने तो इसका बहरहाल सोल्यूशन कर लिया, तो मैंने सोचा कि यार इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए कि आपने इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो अब मैं आपको दोस्तों दो सोल्यूशन बताऊंगा, आप इनमें से जो बेटर लगे, आपको जो कन्वीनियंट हो आपके लिए, आप उसको चूज कर सकते हैं। बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम कहाँ से देखने को मिलता है। जैसे मैं दोस्तों इसको डबल क्लिक करता हूँ वीडियो ट्रांजिशन के ऊपर, और यहाँ से हम कोई भी फैक्ट्स उठा लेते हैं, लाइक हम फ्लिप पावर को टेक करते हैं, यहाँ से हम इसको ड्रॉप करते हैं। जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजिशन इनसफिशिएंट मीडिया, दिस ट्रांजिशन विल कंटेन रिपीटेड फ्रेम्स। हम इसको जैसे ओके करते हैं तो यहाँ से भी हम जूम करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन वाली हमारी ट्रांजिशन ऐड हुई है। मीन्स कि जैसे ही मैं वीडियो को सेव करूँगा तो हमारी ट्रांजिशन ऐड नहीं होगी, ये ट्रांजिशन का बैक वाला सीन होगा। तो हमने अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने जो आपने ट्रांजिशन ऐड किया है इसको हमें डिलीट करना है। अगर हम फर्स्ट सोल्यूशन की बात करें तो आपने करना है, आपने जो अपना जो प्ले हेड है आपने इसको वहाँ लेकर आना है जहाँ आपका साउंड बिल्कुल लो है, लो नहीं कह सकते आप, मीन्स के जो जहाँ का साउंड कम है आपने वहाँ पर लेकर आना है। और सेकंड आपने सी दबाना है अपने कीबोर्ड से, यहाँ अगर आप सी नहीं दबाते आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। अभी हम कटिंग के लिए सी टूल यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको पता है शॉर्ट की है सी। तो जैसे हम सी किया और यहाँ से वी सिलेक्शन टूल से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट किया। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, अब मैं यहाँ इसको मर्ज कर दूँगा, जो स्पेस रह गया हम इसको यहाँ से फिर डिलीट करेंगे, मर्ज हो गया। अब दोबारा से हम फ्लिप पावर वाली ट्रांजिशन को टेक करते हैं और यहाँ पर अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ जिस पार्ट को मैंने कट किया था वहाँ पर नहीं प्लेस हो रही, नेक्स्ट पार्ट में हो गया। बट कोई बात नहीं, हमें ट्रांजिशन लगानी है, हम यहाँ पर ही प्लेस करेंगे। जैसे हम करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रांजिशन यहाँ आ चुकी है लाइक दिस। ये तो होगी हमारा दोस्तों पहला सोल्यूशन। अब जो सेकंड सोल्यूशन है वो यकीनन आपको पसंद आएगा। वो क्या है दोस्तों, आपको कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लाइक अगर हम कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें हमने वॉइस ओवर किया होता है, लास्ट टाइम तक हमने वॉइस ओवर किया होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने वॉइस का एक सेकेंड भी हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए भी वही सोल्यूशन है। यहाँ से आपने यहाँ से एरो नज़र आ रहे होंगे, आपने इनको क्लिक करना है और उसके बाद प्रोजेक्ट जो होगा आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट पैनल आपके सामने आ जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू आइटम, हम यहाँ से सिंपली इसको क्लिक करेंगे वन क्लिक, और उसके बाद हमने इनमें से सेलेक्ट करना है एडजस्टमेंट लेयर। जैसे एडजस्टमेंट लेयर करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने सिंपली इसको इग्नोर करके ओके का बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप करेंगे यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, आपने इसको यहाँ ड्रैग करना है और यहाँ आप जहाँ भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस पर आपने ड्रॉप कर देना है लाइक दिस। मीन्स कि यहाँ पर ये कट है, इसको यहाँ पर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा सिंपली सी टूल यूज़ करूँगा और यहाँ पर ये कट लगा दूँगा, और इसका जो है टाइम उसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा लाइक दिस। अब हम देखते हैं यहाँ से इफेक्ट्स पर जाते हैं, वही फ्लिप वाला इफेक्ट उठाते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे मिड पर लग चुका है, जो कि हमें चाहिए था कि यार हमारे मिड पर जो एक ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब मैं प्ले करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने कटिंग नहीं की अपनी वीडियो में आप फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम दोस्तों Adobe Premiere Pro पर एक कम्प्लीट सीरीज बना रहे हैं जिसमें डाउनलोड से लेकर एंड तक लास्ट तक के आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करना है, मीन्स के कम्प्लीट हम दोस्तों सीरीज बनाने वाले हैं Adobe Premiere Pro पर। तो इंशाल्लाह दोस्तों अगर आपने वो सीरीज़ देखनी है तो ज़रूर आप दोस्तों हमारे चैनल पर कनेक्ट रहिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।